हाय, डिंपल वेजी किचन में आपका स्वागत है। ये हमने एक बाउल हंग कर लिया है। हमने दही को मसलिन क्लॉथ में बांध कर उसको टांग दिया था, जिससे कि उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया। और हमने एक बाउल पिसी हुई चीनी ली है और हम इसमें केसर का यूज करेंगे। हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने हंकड़ को डाल दिया है और हम गैस चालू करके मीडियम फ्लेम रखेंगे। हमें मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसमें परफेक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका जितना हंकड़ है और इसमें जितनी चीनी की आवश्यकता लगती है, उस हिसाब से आप इसको बना सकते हो। हम इसमें 4 से 5 केसर के धागे डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और इसको लगातार चलाते रहेंगे। आज हम दही की बर्फी बना रहे हैं, आप इसको दही का हलवा भी बोल सकते हो। ये कम सामग्री से तैयार होने वाली बर्फी है, आप इसको व्रत में भी खा सकते हो और आप इसको पहले से बना के फ्रिज में इसको एयरटाइट डिब्बे में रख के स्टोर कर सकते हो। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। अभी हमें ज़्यादा चीनी का यूज नहीं करना है, आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ध्यान से देखें। अगर आप पूरी रेसिपी इसी तरह से फॉलो करोगे तो आपके ये दही की बर्फी बहुत ही अच्छी बनेगी। अभी हमने मीडियम फ्लेम पे काम किया था, अब हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। जब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हाई करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप दही की बर्फी बनाने में अगर नॉन स्टिक बर्तन का यूज करेंगे तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गया है। आज जो ये हम दही की बर्फी बना रहे हैं उसमें हम केसर और इलायची पाउडर का यूज करेंगे, तो हम इसको इलायची फ्लेवर की बनाएंगे। अगर आप दूसरे फ्लेवर की बनाना चाहते हैं तो आप उसका एसेंस का यूज कर सकते हैं, या फिर गुलकंद फ्लेवर की, पान फ्लेवर की बनाना चाहते हैं तो आप गुलकंद का यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ये बनाना चाहते हैं या किस फ्लेवर की इसको बनाना चाहते हैं। आपको ये बर्फी बनाने में 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। अभी ये अपना जो मिश्रण है वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, तो आप इसको लगातार चलाते रहें। अगर आप दही की बर्फी बना रहे हैं और छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपकी ये बर्फी एकदम से परफेक्ट बनेगी। हमें स्टार्टिंग में 2 टेबल स्पून चीनी से ज़्यादा चीनी का यूज नहीं करना है। अगर स्टार्टिंग में हम चीनी कम डालेंगे तो चलेगा, हमें लास्ट में चीनी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। अगर आप पहले ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अगर आपको परफेक्ट बर्फी बनानी है तो आपको स्टार्टिंग में कम चीनी का यूज करना है और लास्ट में हमें ज़्यादा चीनी का यूज करना पड़ेगा। अपना ये मिश्रण गाढ़ा होने लग गया है। अगर जब हम इसको हिलाएंगे स्टार्टिंग में और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो आप टेंशन ना लें, इसको लगातार चलाते रहेंगे तो ये इसी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आप किसी और फ्लेवर का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने इसमें लिक्विड येलो कलर का यूज किया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बर्फ़ी को वाइट रखना चाहते हैं तो आप कलर को स्किप कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा मिश्रण भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। ये कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, इसने कढ़ाई के किनारे छोड़ दी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे और अब हम इसको ठंडा करेंगे। हमें इसको पूरा ठंडा नहीं करना है,
परफेक्ट बर्फी बनाने के लिए न हमें ये ज़्यादा ठंडा रखना है और न ही हमें इसको ज़्यादा गर्म को यूज करना है। इसको लगातार चलाते हुए इसको हल्का ठंडा कर लेंगे। अब ये हल्का ठंडा हो गया है तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके पाउडर चीनी का इसमें यूज करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमें इसमें सारी चीनी एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी चीनी हमें इसमें डालनी है। अभी अपना जो मिश्रण है एकदम से ठंडा नहीं हुआ है तो जो हम इसमें चीनी पाउडर यूज करेंगे तो वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगेगा। इसीलिए हमें स्टार्टिंग में ज़्यादा चीनी का यूज नहीं करना है। अब हमें ज़्यादा चीनी की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। अभी ये हल्का गुनगुना है तो हम इसमें और चीनी पाउडर ऐड करेंगे और अपने हाथों की सहायता से इसको मिक्स करेंगे। अभी ये लिक्विड फॉर्म में है तो हमें इसमें और चीनी यूज करनी पड़ेगी। आप टेंशन ना लें, ये ज़्यादा मीठा नहीं होगा। आप इस स्टेप को ध्यान से देखें, अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपकी बर्फी एकदम से परफेक्ट बनेगी। हम इसमें और चीनी ऐड करेंगे और अपने हाथों की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स करके इसका टाइट डो तैयार कर लेंगे। अब ये बर्फी बनाते समय खास इस बात का ध्यान रखें कि आप जब ये पूरा गर्म हो तब उसमें चीनी ऐड ना करें। अब हम एक स्क्वायर टिन लेंगे, इसमें अपनी बर्फी को सेट कर देंगे। अगर आप चाहें तो किसी प्लेट, ट्रे या थाली में भी इसको जमा सकते हैं। आपको जितनी मोटी बर्फी रखनी है आप उस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। ये अपनी बहुत ही कम सामग्री से तैयार होने वाली बर्फी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर से ट्राई करें। अब हम इस बर्फी को स्क्वायर में कट कर लेंगे। अब हम इसमें केसर के धागे ऊपर से डाल देंगे डेकोरेशन के लिए। अगर आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हो। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। हमारी बर्फी सेट हो गई है। इस बर्फी को बनाने के बाद एयर टाइट डिब्बे में डालकर इसको हमें फ्रिज में रखना है, बाहर इसको नहीं रखना है। ये देखिए हमारी बर्फी एकदम परफेक्ट बनी है। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारी बर्फी बहुत ही अच्छी बनी है, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर से ट्राई करें।